गुड इवनिंग गाइस। तो आज हम बनाएंगे मौसम्बी का एक चटपटा जूस। तो यहाँ पे मैंने लिया है अराउंड 3 मौसम्बी, जिसे मैंने बीच से कट कर लिया है। जैसे हम यूजुअली खाते हैं, बिल्कुल उसी साइज से मैंने कट किया है। और फिर जो उसके बीज है, उन सारे बीज को मैंने निकाल दिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है एक ग्लास, और इसी ग्लास में हम सारे जूस को स्क्वीज़ कर लेंगे मौसम्बी से। आप चाहो तो स्क्वीज़र ले सकते हो, बट अभी मेरे पास नहीं है इसलिए मैं हाथ से कर रही हूँ। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट इसका टेस्ट जो होगा वो इस डिफ़िकल्टी से मतलब बहुत बड़ा है, तो आप इसे इतना कर ही सकते हो। तो पहले हम कर लेंगे इसे स्क्वीज़। तो यहाँ पे मैंने सारा जूस निकाल लिया है, और अभी हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। मैंने यहाँ पे 1.5 स्पून ऑफ शुगर दिया है। फिर हम इसे करेंगे मिक्स अच्छे से, ताकि शुगर मेल्ट हो जाए। एंड फिर उसके बाद हम देंगे इसमें सम पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, ताकि उसमें एक स्ट्रॉन्ग स्मेल हो ब्लैक पेपर का। यहाँ पे ग्लास में मैं मौसम्बी के छिलके को थोड़ा सा रगड़ रही हूँ, और यहाँ पे प्लेट में है मिर्ची पाउडर एंड नमक, ताकि जब हम उसको टेस्ट करें तो मुंह में एक चटपटा फील हो। और यहाँ पे मैंने इसे ऐसे डेकोरेट किया है। तो यहाँ पे ग्लास रेडी है, इसमें मैं थोड़ा सा और मिर्ची एंड चिली पाउडर दे दूँगी, ताकि ये और भी ज़्यादा चटपटा लगे खाने में। और फिर इसमें हम सर्व कर देंगे हमने जो मौसम्बी का जूस बनाया था। तो यहाँ पे मैं इसे सर्व कर रही हूँ। आप चाहो तो इसमें आइस क्यूब्स दे सकते हो वांट टू, बट मैंने यह इसमें नहीं दिया है। फिर ऐसे ही हम इसे सर्व कर देंगे।